आदाब नमस्कार सत श्रीकाल हिंदुस्तान जिंदाबाद, मैं हूं जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़ न्यूज़। प्यारे वो हम आ पहुंचे हैं अंबर सिनेमा पे, आप देखें हर सुबह दोपहर शाम यहां पे जाम लगा रहता है, ज़रा दिखा दें। और तमाम स्कूटी वाले टू व्हीलर और फैमिली के साथ में बड़ी प्रॉब्लम आती है, देखें बहन जी इधर ट्री वाले, एक मिनट आगे आए ज़रा आप थोड़ा सा देखें बस नहीं जनित में यहाँ आइए प्लीज़, समस्या होती है यहाँ पे। हाँ समस्या तो बहुत होती है, बहुत जाम लगता है भाभी जी को बच्चों को लेके। चले ठीक है, थैंक यू। हाँ समस्या होती है डेली डेली। तो डीएम साहब से क्या कहना, आगे आइए इधर आए, डीएम साहब से क्या कहना चाहते हैं ये जाम छुलवाए, यहाँ पे पुलिस वाले होने चाहिए। हाँ जी चलिए। तो प्यारे वर्ष यहाँ पर देखे तमाम जाम लगा हुआ है जी, मैं अपने एक्टिवा बीच में लगा दूँ। नाम क्या है आपका? मेरे शुभ नाम मनोज। ये यहाँ पे जाम लगता है, डीएम साहब से क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं, गाड़ी या पार्किंग बनवा में अलग पुलिस का यहाँ पे पुलिस हाँ होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे हाँ एक्स्ट्रा जो गाड़ी खड़ी हुई है वो देखो, गाड़ी वो कहाँ खड़ी है उसका वीडियो लो। चलो सबका लेंगे आप। तो प्यारे वो डीएम साहब आप ये देखें, उधर से गाड़ी आ रही है अर्टिगा तमाम, और अभी सावन का और त्योहार तीज सर पर है, फेस्टिवल हर फेस्टिवल में प्रॉब्लम आती है। ये मोबाइल मार्केट है, यहाँ इधर आए दिखाएं तमाम, ये यहाँ पर सड़कों पर लगा देते हैं टू व्हीलर्स, इधर से आ जाइए आप और दिखाएं, मतलब पैदल चलने वालों को भी बड़ी यहाँ पे कठिनाई होती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। और तमाम यहाँ पर सब परेशान हैं, दुकानदार क्या और राहगीर क्या मुसाफिर क्या सभी को, और देखें सब लोग इधर इधर दिखाते जाएँ, ये देखते जाएँ आप, बड़ा लंबा जाम। और बाज़ औक़ात तो ये होता है डीएम साहब प्यारे वर्ष के अंसारी रोड के चौराहे से लेके और डिप्टीगंज के तिराहे तक यहाँ पे जाम लगा रहता है। और देखिए यहाँ पे भाई साहब हैं मिसिस को साथ साथ, परेशानी हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जी, रोज ही ऐसे रोज ही रहता है यहाँ पे, रोज ही रहता है, डेली रहता है। आपको भी परेशानी? हाँ जी परेशानी हो रही है। और देखें यहाँ पे भैया हैं, परेशानी हुई जाम में? परेशानी नहीं। अच्छा चलिए। हाँ जी आप बताइए क्या नाम है आपका? आप दिखाते रहे जरा उधर। सर मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन सर यहाँ पे काफ़ी है समस्या होती है जाम की, बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। सबसे बड़ ये बात है कि सर यहाँ पे जो भी आता है कस्टमर दुकानों पे, यहाँ पे गाड़ी आया नहीं खड़ी करके छोड़ गया। यहाँ पे पुलिस की तैनाती होनी चाहिए, यहाँ पे सर पुलिस की तैनाती थी, वो चले गए सर यहाँ पे, परेशान हो गए खुद उनको और अगर धमकी दे जाते थे। नहीं नहीं तो ऐसी बात नहीं है, योगी जी की सरकार है, ऐसा तो नहीं होता। हाँ सर ये बात तो ठीक है, योगी की सरकार बहुत अच्छे से चल रही है और बहुत ही है परेशानी है नहीं हो रही, पर यहाँ दिक्कत ये है जाम की, दिक्कत सबसे ज्यादा होती है, जब भी मैं आता हूँ यहाँ जाम ही मिलता है सर। अच्छा डीएम साहब से क्या कहना चाहते हैं? सर मैं डीएम से बस यही अपील करना चाहता हूं कि यहां पे समस्या बस ये है कि जो भी रास्ता निकलने वाले हैं उनको अच्छे से रास्ते की संभावना निकल दे रहे, कोई परेशानी ना आए। चलिए चलिए ठीक, थैंक यू। प्यारे वो देखिए बिटिया साथ है भैया के, और इनको भी कहीं ना कहीं परेशानी हुई है, आपको ट्रैफिक में प्रॉब्लम आई? हाँ जी बहुत ज़्यादा आ रही है प्रॉब्लम। डीएम साहब से क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहूँगा कि ये ट्रैफिक वगैरह जो है उसको सही करें, यहाँ पे पुलिस की तैनाती हो। हाँ जी हाँ जी, ट्रैफिक का निज़ाम हो थोड़ा सा, थैंक यू। तो प्यारे वर्ष यहाँ पर और लोगों से भी बाइस लेंगे, दुकानदार हैं इनसे भी मालूम करेंगे। नमस्कार भैया, ट्रैफिक जाम होता है, शुभ नाम क्या है आपका? सचिन नाम है मेरा। हाँ सचिन भाई स्वागत है अभिनंदन चैनल में, आए दिन यहाँ पे तमाम फेस्टिवल पे, खासतौर से सावन का अभी तीज लगने जा रहे हैं, फेस्टिवल बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है, तो क्या कहना चाहते हैं डीएम साहब को यहाँ पर किस तरीके से समाधान हो जाए? सर यहाँ फोर व्हीलर की एंट्री बंद हो जानी चाहिए, ट्रैफिक कम हो जाएगा और पुलिस ट्रैफिक यहाँ पे पुलिस की तैनाती भी हाँ होती है, चार पाँच बजे तक रहते हैं यहाँ पे, टू व्हीलर बहुत सारे खड़े सड़क पर खड़े हाँ खड़े रहते हैं साइडों में, मार्केट ऐसी वैसे खड़े रहते हैं, बाकी फोर व्हीलर बंद हो जाएगा पूरा कस्टमर आता लौट के चले आता है जाम देख के, जो हवलदार जो रहते हैं जो होमगार्ड रखे हैं वो चार बजे पाँच बजे चले आते हैं अपना, उसके बाद में तो ये हालत रहती है यहाँ पे, शाम से कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता, कोई भी नहीं, यहाँ तो 10 बजे तक रश रहता है, बड़ी मेन मार्केट है, मेन मार्केट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शुभ नाम क्या है? सुभाष नाम है मेरा, शिवम मोबाइल पॉइंट। वेरी गुड, नाइस टू मीट यू, थैंक यू। और अभिनंदन है चैनल में, और क्या गुहार लगाना चाहते हैं? यही के सर जल्द से जल्द यहाँ की समस्या का निदान मिले,
जाम खोले यहाँ का। थैंक यू सुभाष भाई, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, थैंक यू। और अभी सबसे ही लेते हैं और यहाँ पर नमस्ते बहन जी, आए आए इधर आए, देखें एक फैमिली है और ये आ रहे हैं। नमस्कार चैनल में बहन जी, स्वागत है, इधर आ जाइए। आए दिन यहाँ पे अभी भी जाम लगा हुआ था, आप लोगों ने देखा, रोज आता है, रोज जाम लगता है, तमाम क्लाइंट परेशान है, कस्टमर परेशान है, हमारी गृहणियाँ परेशान है। क्या कहना चाहती हैं डीएम साहब से यहाँ पे जाम हटवाइए यहाँ पे? अच्छा, दुकानदारों का भी कहना है कि यहाँ पे परेशानी तो है, पुलिस की कोई तैनाती नहीं होती, होनी चाहिए एक्स्ट्रा यहाँ पर पार्किंग में ये लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं, होनी चाहिए ना, 5 बजे से यहाँ कोई पुलिस वाले नहीं होते, खासतौर से इस सिनेमा मार्केट के यहाँ पर अंबर सिनेमा पे नहीं होते जी, होने चाहिए, पुलिस वाले ने चलना चाहिए और ये ट्रैफिक हटवाना चाहिए और निकलने के लिए लोगों के लिए रास्ता करना चाहिए आराम से। बुलंदशहर का हम हार्ट कह सकते हैं इस मार्केट, अंसारी रोड और अंबर सिनेमा मार्केट, जी जी अंसारी, और अंसारी रोड पर गड्ढे है ना, उसमें भी गिरने का डर रहता, बिगड़ने वाले वहाँ पे भी गड्ढे चले। डीएम साहब देखें कितनी हमारी गृहिणी जागरूक है और कहीं ना कहीं जो गड्ढे है उनका भराने का काम कराए, प्लीज आदेश पारित करें। शुभ नाम क्या बहन जी आपका? बीना गुप्ता। नाइस टू मीट यू बहन जी। और आपका? प्रगति गुप्ता। नाइस टू मीट यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, और बहुत अच्छी बात है। और ऐसी गृहिणी हमारी बुलंदशहर, आपको चैनल की तरफ से कोटि कोटि बधाई, कितनी जागरूकता आपको अंदर है और बेखौफ होकर आपने बेखौफ आवाज पर अपनी बात कही, जनहित के लिए, अपने राष्ट्रहित के लिए, अपने शहर के लिए। ओके थैंक यू, थैंक यू मैम। तो प्यारे वर्ष, ये बुलंदशहर की हमारी गृहिणी और यहाँ पर अभी आते हैं आपके पास और यहाँ पे ये भारत ऑप्टिकल्स, यहाँ पर ये बहुत पुराने हैं भाई साहब। आदाब नमस्कार सर, शुभ नाम क्या है सर? संदीप सक्सेना। संदीप सक्सेना जी, स्वागत है चैनल में, अभिनंदन है। क्या कहना चाहते हैं साहब? तमाम दुकानदारों ने बताया कि यहाँ पर पहले तैनाती होती थी पुलिस की, 5 बजे के बाद में पुलिस की तैनाती नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहता है ट्रैफिक, काफ़ी जाम रहता है और यहाँ पर बहुत सारे अननेसेसरी लोग जो है बाइकें बहुत ज़्यादा खड़ी कर देते हैं रोड पे, जिससे ट्रैफिक जाम होता है। हाँ, मार्केट छोटी है और बड़े वाहन जब आ जाते हैं तो यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है कि पूछिए मत। बदल खासतौर से तो फेस्टिवल का दौर चल रहा है, फेस्टिवल का सावन चल रहा है, तीज आने वाले हैं, जी 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 जी, और इसके चक्कर में काफ़ी भीड़ रहती तो है ना जी। डीएम साहब को गुहार क्या लगाना चाहते हैं? ये है कि साहब इधर से वो बनके कर देना चाहिए, जो हैवी ट्रैफिक है वो इस रोड पे ना निकले, मतलब अंसारी रोड से भी नहीं आए। जी 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 जी, फोर व्हीलर जो हैवी वाहन है वो ना निकले, ई रिक्शा और टू बाइक, टू व्हीलर सिर्फ वो ही, सिर्फ यही अलाउ होना चाहिए। साइकिल रिक्शा वाले निकल जाए, मोटरसाइकिल वाले निकल जाए, बाकी ये हैवी वाहन जो निकलते हैं उसके सारा 90% काम इसी वजह से लगता है। उनकी एंट्री 10 बजे होनी चाहिए, 9 बजे के बाद खोल दीजिए, 9 बजे मार्केट बंद हो जाते हैं, सारा शॉप बंद हो जाती है, 9 बजे के बाद आप कुछ भी खोल दीजिए, लेकिन सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक इसे वाहन जो है यहाँ पर ना निकले पड़े। इमरजेंसी में जिसके साथ बहुत इमरजेंसी है उनके लिए एक्सेप्शनल केस होना चाहिए, अदरवाइज सबको। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, फोर व्हीलर से इस रोड में नहीं चले। सक्सेना जी, आपके सामने पड़ोसी है मोबाइल वाले, उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं आपकी दुकानदारी आपके बिजनेस पे फर्क पड़ता है। देखिए जाम में वापस चले जाते, जाम में फर्क तो खैर पड़ता है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि आदमी को जब पता लग जाएगा फोर व्हीलर चौराहे पे खड़ा करके आ रहा है तो चौराहे से पैदल भी आ सकता है। जैसे जब जाम लग जाता है तो यहाँ पर सभी की साइकोलॉजिकल अंडर प्रेशर आ जाते हैं, आप लोग सब प्रेशर पे आ जाते हैं और कहीं ना कहीं एक आए दिन झगड़े बनते हैं यहाँ पे, कस्टमर से लेके दुकानदार सबके जो है क्रोधित हो जाते हैं। जी 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 जी, गुस्सा आ जाता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। तो प्यारे बस और कवर करते हैं, सक्सेना जी ने जो बहुत अच्छे सजेशन दिए हैं और हम आशा उम्मीद करते हैं डीएम साहब उस पर ज़रूर एक्शन लेंगे और यहाँ पर और अभी मालूम करेंगे। यहाँ पे कुछ हैं नौजवान हैं, इधर आइए, आप इधर आए तो अभी भी देखें प्यारे, और देखें कितनी बाइक खड़ी हुई है, उधर दिखा दीजिए। तो ये बाइकें सब सड़कों पे खड़ी हो जाती हैं, मोबाइल की ये क्लाइंट्स हैं, मोबाइल रिपेयर कराने के लिए आते हैं, शॉपिंग करना आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट्स। तो हाँ भैया स्वागत है, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रिंस भाटी। प्रिंस भैया स्वागत है चैनल में, अभिनंदन ने। यहाँ पे जाम लग जाता है, क्या कहना चाहिए? बहुत घनी समस्या आ रही है, जो तुम्हारी ई रिक्शा हो रही है ये तो घने ही तंग कर रहे हैं। फोर व्हीलर खास तौर से, फोर व्हीलर कहीं पार्क करके चले जाए, नो पार्किंग है यहाँ, फिर भी पार्क करके चले जाते हैं, नो पुलिस वाले डांटे तो भी कुछ ना कहते, ये सारा सिस्टम
बिगड़ा पड़ा, पब्लिक बहुत घनी ज्यादा, स्पेस कम है। मैं तो बोलना चाहता हूँ कि उधर मोड पे वो लगवा दिया मैं दो खंबे जो बड़ी गाड़ी से बढ़ाई ना, या तो फिर ट्री बढ़ाई जाए या फिर बाइक बढ़ाई जाए, जैसे फॉर्च्यूनर आती है टेम्पो तक रास्ते पे निकलते हैं। सेना जी जो है यहाँ पर, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर पुलिस की तैनाती हो जी, और शाम चार बजे से लेके और 9 बजे तक यहाँ पर फोर व्हीलर की नो एंट्री होनी चाहिए। जी जी जी, ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पर मैं तो चाहता हूँ उधर एक खंबा लग जाए, उधर बड़ी गाड़ी बढ़ाई ना, छोटी गाड़ी चलाए इस रोड को, और वो ट्री वगैरह। अच्छा, पुलिस की भी तैनाती नहीं है, कमाल की बात। हाँ, पुलिस भी नहीं मिलती पूरी, उधर भी कोई ना, उधर भारत का कोई जाता नहीं। दुकानदार कह रहे हैं कि 5 बजे से कोई पुलिस की तैनाती होती नहीं है, जो होते हैं दिन वाले वो चले जाते हैं। दिन में चले जाते हैं, दिन वाले चले जाते हैं, वो तो रात ध्यान ना रखते हैं। देख सकते हो कितना सारे बुलंदशहर की मार्केट को हम कहें तो बुलंदशहर की मार्केट ये दिल है बुलंदशहर का जी, बहुत शानदार अच्छी बात बताओ। हर चीज यहाँ पर सबको परेशानी होती है। हाँ, परेशानी प्रशासन थोड़ी ना करेगा, हम भी नागरिक हैं। 18+ 8+ 18+ यहाँ के जो व्यापार संगठन है और प्रशासन मिलके कहीं ना कहीं इसका समाधान तो निकाले। समाधान ये है कि जो बस पहुँच गए, रोक लगा दिया बड़े वाहनों के तहत, तो और कुछ नहीं हो सकता, स्पेस कम है और कुछ नहीं बस। इन पे तो अंकुश लग सकता है, फोर व्हीलर पे, फोर व्हीलर मंत्री गार्ड भी इस पे करे जा रही है। लोग बताओ यहाँ पे इतनी बड़ी, ये एक निवारण है कि एक खंभा लगा दिया जाए जाके, ताकि निकले ना, और कुछ नहीं है जी। चलिए भाटी जी, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच। ये थे देखिए बड़े नौजवान, और कहीं ना कहीं एक मोबाइल शॉप कीपर है यहाँ पर। नमस्कार भैया, आदाब, क्या नाम है? मोहम्मद जैद। जैद मियाँ, खुश आमदी चैनल में। जैद में हम कवरेज कर रहे हैं, यहाँ ट्रैफिक रोज़ाना बहुत बुरा हाल हो जाता है, और ख़ास तौर से फेस्टिवल अभी चल रहे हैं, सावन चल रहे हैं, तीज की त्यौहार की तैयारी चल रही है पूरा बुलंदशहर जनपदवासी, और यहाँ पर अपने आप में बड़ी मार्केट भी है बुलंदशहर की, मोबाइल मार्केट। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को, आपको परेशानी होती है, आपके क्लाइंट्स को जो जाम लगता है, कस्टमरों को होती है यहाँ बाइक वगैरह अपने वाहन लगाने की खड़ी करने की? क्या सजेशन देना चाहेंगे डीएम साहब से, क्या गुहार लगाना चाहते हैं कि एक तरफ वाहन बंद होना चाहिए, बड़े वाहन आना, फोर व्हीलर, हाँ एक तरफ बंद हो जाए, दोनों तरफ से आते हैं तो जाम लगता है 5 से 9 बजे तक। 5 से 9 ये तो पक्का नहीं, लेकिन हर टाइम ही जाम रहता है यहाँ तो कभी कभार। नहीं, लेकिन फोर व्हीलर जो है 9 बजे के बाद आए तो राहत मिल जाएगी। हाँ वो भी ठीक है, वन वे ट्रैफिक हो जाए। हाँ ये भी बात ठीक है। चलिए जैद भाई, थैंक यू सो मच। और तो ये यहाँ पर और यहाँ पर दो साथी हैं, शॉपकीपर है, मोबाइल शॉपकीपर जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? समीर। समीर, समीर भाई, खुश आमदी चैनल में। समीर भाई, सामने जैद भाई ने बताया, चश्मे वाले सक्सेना जी ने, सुभाष भाई मोबाइल वालों ने, आपके जितने और यहाँ पर जितने मुसाफिर थे उनसे मेरी बात हुई है। जाम के समय जो जाम लगता है उससे कहीं ना कहीं आपको, आपकी दुकानदारी पे फ़र्क पड़ता है? और बहुत दुकानदारी फ़र्क पड़ता है, और आपके क्लाइंट जो कस्टमर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं गुस्से में आते हैं, और बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, और कई वापस चले जाते हैं, कितने वापस जाते हैं। अच्छा, तो कितने परेशान हैं? जैद भाई ने अभी बताया काफ़ी दुकानदारों ने कि यहाँ पर वन वे ट्रैफिक होना चाहिए फोर व्हीलर के। जी जी, पूरे बंद होने चाहिए, उससे टूर होने चाहिए, बस ट्री बंद है भाई, टीरी बंद कराओ। नहीं तो फिर वो बड़ी बूढ़ी औरतें कैसे आएंगी, महिलाएं? ठीक है, तो कार बंद होनी चाहिए, कार में फोर व्हीलर, हाँ फोर व्हीलर बंद होनी चाहिए, पर बाइक वाली होनी चाहिए, ट्री वाला होना चाहिए, बस। सही कह रहे हैं भाई, हमारे सही कह रहे हैं, बाइक भी चले हमारे, यानी कि 9 बजे तक फोर व्हीलर बिल्कुल प्रतिबंधित रहना चाहिए, क्योंकि 9 बजे तक ये होने चाहिए, ताकि यहाँ पर आसानी रहे। हाँ बिल्कुल, आराम से छुटका, दिक्कत नहीं, फिर आराम से चलो, फिर कोई दिक्कत ना। फिर थैंक यू समीर भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आइए प्यारे बच्चे, मिल गए हाजी जी, शकील भाई मैं इनको जानता हूँ, और शकील भाई यहाँ पर जाम के लिए कवरेज कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत जाम रहता है यहाँ पे जी, परेशानी होती है, परेशानी होती है कभी जाम जी, एक बार नहीं 1000 बार। अच्छा, बहुत ज़्यादा। दुकानदारों ने तो यही सजेशन दिया कि शाम के 4-5 बजे से और 9 बजे तक फोर व्हीलर यहाँ पर, फोर व्हीलर आते हैं, नो एंट्री रहनी, फोर व्हीलर नहीं आने चाहिए यहाँ पे, फोर व्हीलर और ये जो ट्री है ये बहुत जाम लगा लेती है, दोनों तरफ चलती है। अगर फोर व्हीलर पे पाबंदी लग जाए तो राहत मिल जाएगी। हाँ, फोर व्हीलर नहीं आनी चाहिए यहाँ। चलिए शकील भाई, और कुछ कहना चाहते हैं? बस और कुछ नहीं, सभी दुकानदार परेशान हैं, सभी दुकानदार परेशान हैं, पब्लिक परेशान है। अच्छा, मेन रोड है ये सिटी का, और एक यही नहीं, ये चौक बाजार जो है, अंसारी रोड जो है, उधर भी ये फोर व्हीलर नहीं आने चाहिए, फोर व्हीलर ले आते हैं वहाँ पे जाम लग जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। डीएम साहब से क्या गुहार लगना चाहते हैं? हाजी जी आपने बहुत अच्छी बात रखी, अपना सजेशन रखे डीएम साहब के लिए प्लीज,
अपनी राय रखें। मेरी राय तो यही है कि वहाँ जो है ये फोर व्हीलर नहीं आने चाहिए। चौक बाजार अंसारी रोड और अंबर सिनेमा मार्केट, अंबर सिनेमा मार्केट, यहाँ पर एक बड़ी खामी है। यहाँ पे पुलिस का एक कांस्टेबल यहाँ तैनाती नहीं है, यहाँ कोई रहता ही नहीं है ना, रहना चाहिए यहाँ पे। ये गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, साइड में लगवाना चाहिए। ये पूरी मार्केट है, यहाँ पे पार्किंग तो है नहीं। बिल्कुल, ये चलिए, शुक्रिया जी, थैंक यू। तो प्यारे भैया थे समाज से भी, सोशल वर्कर और किसान परिवार से हाजी शकील भाई साहब, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। और ये देखें बड़ा रश रहता है इस मार्केट में, और यहाँ पर वाइट हाउस ड्राई क्लीनर जो हैं इनसे भी बाइक्स लेते हैं और आपके लिए मालूम करते हैं। देखें मुझे भी बड़ी कठिनाई हो रही है इसको पार करने के लिए, सड़क को उधर जाने के लिए। और यहाँ पर नमस्कार, यहाँ पर कभी युवा साथी ज़्यादा हैं। नमस्कार सर, आपके पास आते हैं, ज़रा नौजवान ज़्यादा हैं यहाँ पर। आदाब, नमस्कार भैया। नमस्कार, ये ट्रैफिक जाम रहता है उसके लिए कवरेज कर रहे हैं। बेखौफ आवाज़ में आपका अभिनंदन, स्वागत है। शुभ नाम क्या है? इधर देखें। हाँ जी जी, जगमोहन शर्मा। शर्मा जी, नाइस टू मीट यू। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी दुकानदारों ने कहा कि यहाँ पे फोर व्हीलर जो है शाम से 4 बजे से रात के 9 बजे तक पाबंदी रहनी चाहिए। जी जी, ताकि लोगों को आसानी रहे ना। ये तो आप बात बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे है ना, ये जो बाइक जो खड़ी कर देते हैं ना, इनसे या तो इसकी पार्किंग के लिए व्यवस्था होनी चाहिए अलग से। पीछे जेल परिसर पीछे खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पर पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग कहीं पर भी खड़ी कर देते हैं। मेन चीज़ है ना, पार्किंग की होनी चाहिए, और फोर व्हीलर की भी ना, फोर व्हीलर के नियम होना चाहिए बिल्कुल सख्त। अच्छा शर्मा जी, जी जी बताइए, कहीं ना कहीं आप जाम में फंसे हैं यहाँ पे कई बार? मैं तो फील्ड का काम है, मैं तो ज्यादातर शाम को उधर से आता जाता रहता हूं। जाम में फंसे तो गुस्सा है, यकीनी तौर पे गुस्सा आता है पूरा पूरा, और कहीं ना कहीं बड़ी बेचैनी होती है। बेचैनी होती, कहीं किसी को जल्दी जाना होता है तो उसकी बेचैनी होती रहती है। आप हो जाते हैं लोगों, हाँ, झगड़े क्यों नहीं होते? जब किसी को जल्दी जाना होता है तो झगड़े तो होते हैं, सीधी बात है ना। किसी को जल्दी जाना होता है कि आप ही को या मेरे किसी को काम है, आप जल्दी जाओगे, झगड़ा तो होगा सीधी बात। आगे से कोई गाड़ी लेके आएगा तो झगड़ा तो होगा। अच्छा शर्मा जी, डीएम साहब से क्या कहना चाहते हैं? डीएम साहब से यही मेरी आस है के पार्किंग की व्यवस्था करी जाए, जो भी गाड़ी इधर उधर जो होती है। खास तौर से पीछे 10 कदम पे यहाँ पे जेल लेके हर किसी आदमी को जल्दी है ना, मेन चीज है, हर किसी को यहाँ पे जल्दी है, ठीक है। कहीं वो गाड़ी खड़ी कर देते हैं, बात ये है ना, सबसे बड़ी बात ये है, पार्किंग व्यवस्था हो जब यहाँ जाम से छुटकारा मिल सकता है। अब देखिए, देखिए महिला बहन जी बैठी हुई है, उधर फोर व्हीलर है, इधर स्कूटी बाइक, हर पल यहाँ पर फोर व्हीलर के लिए तो बिल्कुल रास्ता मुनासिब नहीं है डीएम साहब। और तमाम प्योर्स आप व्यूअर्स आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ वैक्यूम इतना है टू व्हीलर्स का, बहुत ज़्यादा, और बहुत ही नैरो यहाँ पर सड़क है। और यहाँ पर मालूम करते हैं, चलिए ये बिजी हैं अभी। और यहाँ पर इतने अंकल से ये देखे भैया आ गए थे, यहाँ पर देखे आप। तो प्यारे वो देखे तमाम, फिर यहाँ पे जाम लग गया, घुमाते रहिए, ये देखे फिर जाम लग गया है, और पीछे फिर कार आ गई, एक आगे इधर दिखाएं, आगे वैगनार फिर फंस गई है। प्यारे वो देखें आप, इधर आइए, देखें, मतलब फोर व्हीलर आते ही यहाँ पे जाम लग जाता है, फिर जाम की स्थिति पैदा हो गई। उधर पीछे 2 गाड़ी और आ रही हैं, चल रही हैं, और तमाम टू व्हीलर्स और तमाम यहाँ पर ये जाम की बहुत ही ज़्यादा अपने आप में। नमस्कार सर, जाम से परेशानी होती है? परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, पूरे बुलंदशहर में यू हाल है, यही हाल है। तो डीएम साहब से क्या कहना चाहते हैं, गुहार लगाना चाहते हैं? हम कहें दुकानों पर जो आगे सामान लगा रखे हैं फटाफट आगे सब, और बाइक भी खड़ी हुई है, पूरे रोड पर यही जाम है, बुरा हाल है। हाँ पूरे रोड, और फोर व्हीलर को नहीं आने चाहिए यहाँ पे 5 से 9 बजे तक, जब ये सामान अंदर है, वो बाइक खड़ी नहीं। आप ये देखिए, एक कार अगर निकलेगी तो एक ट्रेन ही निकल सकती है। देखिए दुकानदार बाहर ना लगा। अब आप देखें, इधर आप वैगनार गई है तो अभी एक गाड़ी आ रही है स्विफ्ट, इधर दिखाएं, ये देखें ट्री, अब देखिए आप, परेशानी होती है, देखिए हो गई परेशानी सबकी हो रही है। तो तमाम ये प्यारे वर्षी अपने आप में पीछे ये इको आ गई, तमाम यहाँ पर आप दिखा दें, आप यहाँ दिखाते जाइए, देखें यहाँ खड़े हो जाइए आप जी। शुभ नाम क्या है? नरेंद्र कुमार मित्तल। जी मित्तल जी, भाई साहब नमस्कार, आदाब।
अभिनंदन ने चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर सक्सेना जी ने, सुभाष जी ने, तमाम दुकानदारों ने एक ही गुहार लगाई है कि फोर व्हीलर 4 से लेकर 9 बजे तक प्रतिबंधित होनी चाहिए, पुलिस की तैनाती होनी चाहिए और जो कस्टमर आते हैं उनके लिए पार्किंग जेल परिसर में टेम्परेरी तौर पे बना दे, डीएम साहब बनवा दे तो अच्छा है, बढ़िया। फोर व्हीलर नहीं आना चाहिए साहब इधर से, अब उधर दिखाएं जरा, फोर व्हीलर नहीं आना चाहिए सर, सुबह जो है 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बंद रहना चाहिए। और खासतौर से जो फेस्टिवल है, अभी हमारा सावन चल रहा है, तीज की तैयारी चल रही है, तो यहाँ बड़ा बुरा हाल रहता है, बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है। बुलंदशहर सिटी में सबसे ज्यादा यही रोड में ट्रैफिक जाम रहता है। जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल चांदनी चौक की तरह, बिल्कुल चांदनी चौक में तो अब तो वहाँ की गवर्नमेंट ने सही करा दिया है, लेकिन यहाँ पर अभी भी समस्या से निदान नहीं मिला है, नहीं मिला। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर पहले पुलिस तैनाती रहती थी, होमगार्ड रहते हैं सुबह 9 बजे से 4 बजे तक, उसके बाद शाम से कोई नहीं रहता, ना कोई नहीं रहता, जिसकी वजह से और ट्रैफिक जाम में हो जाता है, कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता है। चलिए थैंक यू सो मच। तो प्यारे वर्ष ये था आज का अपडेट और कोशिश ये थी कि आपके बीच में एक जेन्युइन मुद्दा जिससे कि पूरे बुलंदशहर की जनता का सरोकार हो और परेशान होती है यहाँ की जनता और कहीं ना कहीं लोगों के झगड़े पैदा हो जाते हैं और इसके साथ साथ प्यारे वर्ष यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ साथ दुकानदार हैं, उनका बिजनेस लूज होता है, उनको कठिनाइयाँ होती हैं और कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानी होती है जो यहाँ से निकलते हैं। और अभी आपसे यहाँ पर और आपसे और रूबरू कराते हैं जी। आदाब नमस्कार, आदाब, चैनल में स्वागत है सर। शुभ नाम क्या है? ओम प्रकाश माही। ओम प्रकाश भाई साहब, ये हम कवरेज कर रहे हैं यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम होता है फोर व्हीलर, तमाम दुकानदारों ने यही कहा है तो शाम 4 बजे से 9 बजे तक फोर व्हीलर की नो एंट्री होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर, क्योंकि एक्चुअल में क्या है यहाँ पे जब फोर व्हीलर आती है तो टू व्हीलर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और पैदल यात्री के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। फोर व्हीलर खासतौर से उधर से ट्रिल रही तो दोनों बहुत मुश्किल से निकल से होती है ना, दरअसल क्या अगर ये फोर व्हीलर ही बंद हो जाए तो जो एंट्री वगैरह होती है इनका तो खैर चल जाएगा, बट सामने वाले की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खुद ही लाइन में चले। अच्छा, और कुछ लोगों ने कहा है कि यहाँ पे जेल परिसर खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर पार्किंग, हाँ स्टैंड बना दिया जाए, पार्किंग स्टैंड, पार्क स्टैंड बना दिया जाए, टैक्सी स्टैंड को हटवा दिया जाए और बाकी सफाई के लिए खास बाकी। चलिए थैंक यू। तो प्यारे वर्ष और आगे मालूम करते हैं और दिखाते हैं, उधर दिखा दीजिए ज़रा, मतलब हर मिनट तमाम यहाँ पर जाम, फिर देखें आप 60 सेकंड में 20 सेकंड के बाद में इधर आएँ, इधर आगे आइए, आप दिखाते जाइए, तमाम जाम लग जाता है, तमाम परेशान हो जाते हैं लोग और ये तमाम यहाँ पर सब लोग अभी एक मिनट, चलिए चलिए और मालूम करते हैं, जाम से परेशानी हो रही है आपको? लेखपाल की परीक्षा करके आए जी हम। अच्छा, जाम रोज लगता है, क्या कहना चाहेंगे? अरे जाम आज परीक्षा है ना लेखपाल की साहब, उसके चक्कर में ज्यादा होगा, बाकी तो प्रशासन अपना काम कर रहा है, योगी बाबा का सत्ता देश है। चलिए चलिए ठीक है। तो प्यारे वर्ष कहीं ना कहीं योगी जी से बहुत संतुष्ट हैं और लेखपाल की ये परीक्षा कर दे के आ रहे और बिटिया यहाँ पे एक आ रही है, बिटिया यहाँ है बेटा, आदम नमस्कार, स्वागत है, इधर आए बेटा, बेटा जाम देखे, जाम लग रहा है, उधर दिखाओ, उधर दिखाओ, तो इधर आई, तो प्यारे देखे उधर दिखाइए, ट्रेनें दिखाएं, ये जाम लग गया, पीछे गाड़ी आ गई, इधर दिखाएं, इधर दिखाएं, फिर गाड़ी आ गई, फिर जाम लग गया है, तमाम यहाँ पर यही प्रॉब्लम रहती है प्यारे, उधर से गाड़ी आ रही है, इधर आ, इधर ऊपर आ जाइए, तो यहाँ पर जो है तमाम बहुत ही जिसको कहना चाहिए सीरियस प्रॉब्लम है और जाम लग जाता है फोर व्हीलर के लिए। वाकई में मैं भी यही कहना चाहूँगा डीएम साहब से कि शाम के टाइम 5 से लेकर 9 बजे तक यहाँ पर बिल्कुल कोई औचित्य नहीं बनता है, जिस तरीके से मार्केट के यहाँ पर धरातल पर जो है ट्रैफिक के वॉल्यूम को देखकर कहीं कोई गुंजाइश नहीं बनती है। देखें कितने यहाँ पर जो है टू व्हीलर और स्कूटी बाइक पर लोग आते हैं जाते हैं, फैमिली के साथ हैं और महिलाएँ भी हैं, देखें स्कूटी पर पिताजी को ले जाते हुए, तो यही होना चाहिए कि यहाँ पर फोर व्हीलर की बिल्कुल नो एंट्री रहनी चाहिए और ताकि यहाँ की जनता को राहत मिल सके और इसके साथ साथ मार्केट वालों को भी।
तो आगे और प्यारे वर्ष आगे और दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स, उनसे मालूम करते हैं, उनके व्यूज लेते हैं आपके लिए। थैंक यू जी, क्या नाम है? मेरा नाम मुजीबुर रहमान। मुजीब भाई अस्सलाम वालेकुम, खुशांदी चैनल में। मुजीब भाई क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर? माशाल्लाह आप पूरा बुलंदशहर आपको जानता है अलीगढ़ ऑप्टिकल्स के नाम से, और कहीं जी इंडिया ऑप्टिकल्स अलीगढ़ ऑप्टिकल्स, दोनों आप एक दोनों भाई हैं, हिफ्जू भाई और आप, और इंडिया ऑप्टिकल्स आप दोनों और डोमिनेंट लोकेशन पे हैं, और कहीं ना कहीं 40-50 साल से लगातार बुलंदशहर के दिलों में समाए हुए हैं क्वालिटी और कहीं ना कहीं अपनी कस्टमर सर्विस से। तो मुझे भाई क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर आए दिन, और ख़ासतौर पर फेस्टिवल पर यहाँ पर जाम लगता है? जी यहाँ पर डेली का जाम लगता है, डेली जहाँ 2-4 गाड़ियाँ आई फोर व्हीलर और जब ही जाम लग गया, लिहाजा अब से करीब 4-5 महीने पहले इसको वन वे कर दिया गया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, वो फिर किसी वजह से उसको अब दोनों साइडें खोल दी गई हैं, फिर वही प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ तो मेरा ख्याल है 10-20 साल से इसका हल कोई नहीं हो पाया। अच्छा मुझे भाई यहाँ पर तमाम मेरी शॉपकीपर से बात हुई है, सब ने एक मत में ये कहा, एक तो बड़ी खामी ये है यहाँ पर 4 बजे तक यहाँ पे कांस्टेबल होते हैं होमगार्ड, उसके बाद ड्यूटी नहीं रहती। जी जी हाँ, उनकी तैनाती होनी चाहिए। हाँ, ये 9-10 बजे तक नहीं, ये 2 या 3 होमगार्ड को रखते हैं यहाँ पर 4 बजे तक। उससे बेहतर ये है कि ये अपना 2 वैसे कर लें, 4 बजे तक एक को दूसरी ड्यूटी जो लगाए उसके 8 बजे तक करा दें, 9 तक करा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दूसरा 4-व्हीलर की एंट्री, नो एंट्री होनी चाहिए 4-व्हीलर की नो एंट्री, बस सबसे बड़ी बात। तीसरा यहाँ पर कुछ दुकानदारों ने कहा कि जेल परिसर खाली है, गवर्नमेंट के अधीन है, वहाँ पर जितने ग्राहक आते हैं जिनको ज़्यादा शॉपिंग करनी होती है, टाइम लगाना पड़ता है उनको, तो अपने बाइक स्कूटी वहाँ पे पार्क कर सकते हैं? नहीं, ये तो बहुत ही बढ़िया, अगर जेल पे पार्किंग बन जाए तो यहाँ जाम ख़त्म हो जाएगा। सबसे बढ़िया चीज़ आपने ये बताइए, जेल पे पार्किंग बन गई तो जाम ही ख़त्म हो जाएगा, अंदर एंट्री आनी ना जाए उसकी गाड़ी की, वही जेल पे खड़ी करिएगा, सबसे बढ़िया। और वहाँ से टर्री लग जाए, टर्री लग जो माजूर हैं दिव्यांग, हाँ उनके लिए परमिशन दे दें, जैसे भाई परेशान है माजूर हैं तो अपना भैया एक्टिवा पे ले जाओ या टर्री में बैठ, टर्री में बैठ के आओ, बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। अच्छा मुझे भाई एक सवाल और आपसे, कि काफ़ी लोगों ने बताया, आपने तो यहाँ पे आप खुद देखते हैं सुबह शाम दोपहर के यहाँ पे झगड़े भी हो जाते हैं जाम में, लोग की हाथापाई हो जाती है। जी जी ये सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आजकल गाली गलौज भी हो जाती, गाली गलौज क्या मारपीट तक नौबत आ जाती, गर्म खून है बच्चों का, वो जरा सी एक दूसरे को सोजिए और बस उनको बर्दाश्त नहीं है, और यहाँ तक के हाथ पैर खूब गाली बख्तार। अभी करीब 1 महीने पहले ऐसी केस हो गया था, तो उसका सर्वर फोड़ दिया बिल्कुल बुरी तरीके से, उसका घायल कर दिया, फिर पुलिस रिपोर्ट हुई, फिर कंप्रोमाइज कर लिया उन्होंने आपस में, कहीं ना कहीं ट्रैफिक ही ये सब मेन ट्रैफिक जाम है, सारी परेशानियों की जड़ जो है वो ट्रैफिक है, और ट्रैफिक सही हो जाएगा, ये आपने जो बताया है जेल के हिसाब से बहुत ही सही बेटर रहेगा। तत्काल प्रभाव से डीएम साहब तो इस पे यहाँ 4-व्हीलर को एंट्री लगा दें 4 से 9 बजे तक। जी जी जहाँ दोनों साइड से एंट्री लगनी चाहिए 4 व्हील के लिए, और करीब 8 बजे के बाद खोल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे भाई देखें फिर जाम लग गया, दिखा दे ज़रा, देखें प्यारे वर, देखिए हर 2 मिनट में 1 मिनट में जाम लग जाता है, उधर से कार आ रही है, इधर से कार है, दोनों गाड़ी फंस जाती हैं, उधर टिर्री, इधर स्कूटी, 4-व्हीलर्स तमाम यहाँ पे परेशान हो जाते हैं लोग। देखें मौके पर एक बार बिल्कुल भीड़ गया चारों तरफ से, ये गाड़ी आई और गाड़ी आने के बाद में जाम लग गया फौरन, ये 4-व्हीलर बिल्कुल बंद होनी चाहिए, और 2-व्हीलर के लिए परमिशन नहीं है तो कोई जाम नहीं लगेगा। तो फेस्टिवल चल रहा है सावन, और उसके साथ साथ तीज की तैयारी है अभी उसकी भी, हाँ उससे भी भीड़ है, उसकी भी भीड़ है, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ कहना चाहते हैं? बात बात शुक्रिया, बस यही है कि हमारा हल जो है यहाँ से जाम खत्म हो जाए, उसके लिए आसानी हो जाए, आपका बहुत बहुत हम आशा उम्मीद करते हैं। मुझे भाई आपकी बात डीएम साहब तक जरूर पहुँचेगी, और डीएम साहब इस पर एक्शन लेंगे। ठीक ठीक शुक्रिया, आपको राहत देने का काम कराएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया मुझे भाई, थैंक यू। हाँ उसकी वजह से तो जाम लगा, कहीं ना कहीं देख रेख करते रहते, बिल्कुल बिल्कुल, तो बेचारे करते हैं लेकिन जब नहीं है तो हाँ, क्या करें, ना होने पर तो फिर तो ड्यूटी खाली है तो फिर खाली, ऐसा मर्जी। देखिए अभी भी जाम लग रहा है, जरा दिखा दे, घुमा दे कैमरा प्यारे वो, देखें लगातार हर शॉपकीपर से मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि देखें कार उधर से आ गई है, टिर्री फंसी हुई है, और हाजी मैं माजरा चाहूँगा थोड़ा करीब से दिखाता हूँ, आता हूँ मैं अभी, ज़रा दिखाएँ फिर से दिखाएँ। तो प्यारे वो डीएम साहब आप देखें हर मिनट में, हर आधा मिनट में जाम लग जाता है। देखिए 4-व्हीलर फिर उधर से आ गए गुप्ता सूट की तरफ से, डिप्टीगंज की तरफ से, और देखिए फिर जाम लग गया, आप दिखाएं।
दिखाते जाइए। ये बिटिया हैं स्कूटी से, देखें बिटिया आ रही हैं, किस परेशानी है बिटिया को, और तमाम फैमिली के साथ में इधर आए स्कूटी के साथ में, ये बिटिया अपनी माताजी के साथ में, और देखें भाई साहब मिसिस को लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम सब परेशान हो जाते हैं फोर व्हीलर आने की वजह से, और तमाम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो एक यही आपको ये था कि ज़ीरो ग्राउंड से कोशिश हर डायमेंशन में आपको दिखा सकूं, और फिर गाड़ी आ गई है या जाम। जी क्या क्या नौ नौ बजे सड़कों में बांध खड़े रहते हैं फोर व्हीलर, तमाम दुकानदार हाँ। नहीं होने चाहिए हाँ, नहीं होने चाहिए, चार से लेकर नौ बजे तक नहीं आने नहीं आने चाहिए, बड़ा बांध नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए हाँ जी। मोटरसाइकिल भी रोड पर खड़ी रहती है जी जी, और हम पुलिस वाले पुलिस वाले बैठे रहे वो आराम करते हैं। चार बजे के बाद ड्यूटी नहीं है किसी यहाँ पे, चार बजे बाद में ड्यूटी लगती नहीं है यहाँ पर, बैठे रहे दुकानों में, दुकानों में बैठे रहते हैं जबकि ड्यूटी होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो प्यारे वो देखे सब लोग परेशान हैं, मुसाफिर परेशान हैं, गाड़ी वाले खुद परेशान हैं, पीछे देखे तांता लगा हुआ है, देखें आप देखें उधर वैगनार स्विफ्ट कार छोटा हाथी कॉमर्शियल गाड़ी भी आ रही है। डीएम साहब आप ये देखें वैगनार दो आगे स्विफ्ट और छोटा हाथी, अपने आप में ये बड़ी निंदनीय बात है, इतना वॉल्यूम नहीं है। देखे परिवार को लेकर भाई साहब बिटिया हैं भाभी जी हैं, और हम चाहेंगे कितनी कठिनाई होती है परिवार को, और एक फैमिली साथ है कहीं ना कहीं। नमस्कार भाई साहब, भाई साहब ये गाड़ियों के लिए तो तमाम दुकानदार कह रहे हैं ये शाम चार से लेकर नौ बजे तक नहीं आना चाहिए, जिसकी वजह एंट्री आनी चाहिए यहाँ फोर व्हीलर्स के लिए, और कहीं ना कहीं देखें भाभी जी बिटिया साथ है परेशानी होती है, परेशानी है बहुत बहुत होती है जी, बहुत होती है, आए दिन रोज की कहानी यही है, रोज की कहानी यही है जी। चलिए थैंक यू सो मच, और सर शुभ नाम क्या है आपका? यूनुस खान। यूनुस भाई खुशामदीद, परेशानी हो रही है ट्रैफिक जाम में? जी जी। फोर व्हीलर जाने चाहिए, तमाम दुकानदार को मना कर रहे हैं यहाँ पे नो एंट्री होनी चाहिए। जी जी। पीछे आपके देखे छोटा हाथी है, कॉमर्शियल गाड़ी है, तमाम देखे जाम लग गया, पीछे दिखाएं जरा पीछे दिख, हर एक मिनट में जाम लग रहा है यहाँ पे। जी जी। और त्योहारों के तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। डीएम साहब से क्या कहना चाहते हैं यूनुस भाई? डीएम साहब के तो संज्ञान में है, जानकारी में है सर, तो और कुछ गुहार लगाना चाहते हैं, कुछ निदान हो इसका? अभी तो यहाँ तो हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ रोड ऑलरेडी कंजेस्टेड है, बिल्डिंग बड़ी हुई है। तो फोर व्हीलर अगर नो एंट्री हो गई तो समाधान तो ऑटोमेटिक हो जाएगा जी, तो ये तो करेंगे ट्रांसपोर्ट वाले करेंगे। डीएम साहब हाकिम है जिले के जी जी, वो आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं और जीरो ग्राउंड की स्थिति भी देख रहे हैं जी जी। चलिए ठीक है, थैंक यू यूनुस भाई। तो प्यारे वर्ष थैंक यू। तो ये देखें पूरा फिर से जाम लग गया, मैं दिखाना चाहूँगा, देखें आप इधर इधर खड़े हो जाइए, ऊपर ऊपर खड़े हो जाइए और दिखाएं डीएम साहब आप देखें प्यारे वर्ष के यहाँ पर अभी तक जो है बड़े स्तर पर यहाँ पर मीडिया बंधुओं ने भी इसको कवरेज नहीं किया है। देखें आप सभी मीडिया बंधु भी यहाँ से निकलते हैं, डॉक्टर इंजीनियर किसान परिवार मरीज मुसाफिर सब लोग इस वक्त जो है शाम के पौने आठ बज गए हैं और ये हालत है। तमाम देखें स्कूटी पे फैमिली भैया गुड़िया साथ है और बिल्कुल प्रतीक्षा कर रहे हैं कैसी जाम खुले। उधर भाई साहब इधर भाभी जी हैं भैया है, भैया नमस्कार। जाम से परेशानी हो रही है? हाँ जी परेशानी तो है, आए दिन यही कहानी होती है। हाँ जी हाँ जी। तमाम दुकानदारों का कहना है कि फोर व्हीलर को यहाँ पर नो एंट्री होनी चाहिए। हाँ जी हाँ, ये बात तो है, फोर व्हीलर होनी चाहिए। तो इनका भी यही कहना है प्यारे वर्ष यहाँ पर नो एंट्री होनी चाहिए और तमाम धुआं यहाँ पर और तमाम ये देखिए अंसारी रोड तक जाम लग गया है और इधर खड़े हो जाए आप यहाँ से दिखाएं आगे आगे उधर भी दिखाइए थोड़ा सा आगे से। तो प्यारे वो देखिए आप इसको 10 मिनट हो गए हैं ये स्विफ्ट का वाइट कार को, पीछे वैगनार है टिर्रिया है उधर फिर येलो कलर में वैगनार है छोटा हाथी इधर तमाम धुआं देखें आप धुआं दिखाएं तमाम यहां पर बुरा हाल हुआ पड़ा है इधर दिखाएं देखें तमाम आ जाइए मेरे साथ तमाम यहां पर हालात ख़राब हैं और बहुत ही ज़्यादा मसला खड़ा हुआ है सभी लोगों के लिए और कहीं ना कहीं जाम से बहुत परेशान है बुलंदशहर की जनता और बारिश हो के निमटी है लेकिन सबको पसीने आ रहे हैं और हम चाहेंगे यहाँ पर और हैं यहाँ पर कुछ दुकानदार और यहाँ पर समाज अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे प्यारे बस बहुत अजीज़ हैं, बड़े भाई हैं, चाचा हैं और सोशल बदर भाई पिछले आधा घंटे से हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे जो जाम लगा हुआ है 15 हर वक्त जाम है यहाँ। चैनल में खुशामदी जी बहुत बहुत
यहाँ तो हर वक्त जाम लगा, एक गाड़ी खड़ी हो जाए फौरन जाम लग जाता है। और तमाम गाड़ी अभी भी तमाम सब जाम लगी पड़ी, सब जाम लगी। तमाम दुकानदारों का यही कहना है डीएम साहब से कि एक तो नो एंट्री होनी चाहिए फोर व्हीलर की, फोर व्हीलर की चार से लेकर नौ बजे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पुलिस की तैनाती होनी चाहिए, चार बजे के बाद कोई होमगार्ड खड़ा होता वो भी कुछ नहीं करता, चार बजे के बाद वो भी चले जाता, वो चला चला था जी, चले था। तो डीएम साहब से क्या कहना चाहते हैं? मैं जी सर, जाम से निजात दिलाइए, कारोबार ठप्पा हुआ है, सब लोग कह रहे हैं कि झगड़े हो जाते हैं, कस्टमर वापस चले वापस, हकीकत यही है कि जाम की वजह झगड़ा होता है, कस्टमर चले जाती है और जाम के अब कोई आना पसंद नहीं करते, मार्केट की वैल्यू खत्म हो रही है, बिल्कुल खत्म हो रही है, हकीकत ग्राहक नहीं है। और जबकि बुलंदशहर सिटी का तो हार्ट है, हार्ट ऑफ द सिटी है, हकीकत है ये हार्ट ऑफ द सिटी, और बुलंदशहर अंसारी रोड और मालवीय मार्केट दो ही हैं बुलंदशहर के। अब ये जो बनी है नया इधर उधर वो बेकार है, मगर ये हार्ट ऑफ द सिटी यही है। दिखाते जाए देखें प्यारे, वो देखते जाए, अभी भी जाम जो है खुला नहीं है। और मदर भाई क्या कहना चाहते हैं? जैसा कल बस दुआ में भाई ये चाहते हैं हम, हमसे जाम से निजात दिलवाइए। डीएम साहब बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम, बहुत अच्छे है। हकीकत तो ऐसा डीएम फर्स्ट टाइम आया है मेरी जिंदगी में जो अपना काम करे देख रहे हैं। डीएम साहब तो खुद पैदल जिला अस्पताल चले जाते हैं, और रात को शाम में पहुंचक निजेश्वर में, जी इस बात में कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूर हकीकत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हकीकत है। हम तो मार्केट वाले मशहूर हैं डीएम साहब के, जो बेचारा आके देखते रहते कम से कम। चलिए तो उम्मीद है डीएम साहब, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत उम्मीद है, इस समस्या का भी समाधान इंशाल्लाह वो भी होगा, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए थैंक यू। तो प्यारे बस एक और साथी हैं यहाँ पर सरदार जी, और इनसे भी इनके एक्सपीरियंस शेयर कराते हैं। सरदार जी थोड़ा स्वागत है जी, सत श्री अकाल जी चैनल में। क्या कहना चाहेंगे? तमाम मैं कवर करके आ रहा हूँ, बदर भाई ने भी अभी बाइश दी है जाम को लेकर, सभी का एक मत है, सभी दुकानदारों का, यहाँ पर फोर व्हीलर की नो एंट्री होनी चाहिए चार से लेकर नौ बजे तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से सहमत है भाई, क्योंकि जाम की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। पहले एक बार इसमें वन वे हुआ था तो उसमें काफ़ी कामयाब रही थी, जब DIA उसमें राणा जी थे, उन्होंने काफ़ी उसका करा था, तो उससे काफ़ी बोरा राहत मिली थी। हाँ फिर वही हो गया, फिर वही हो गया। अच्छा तमाम दुकानदारों कहना है कहीं ना कहीं आपकी बिजनेस पे फ़र्क पड़ता है जब जाम लगता है। हाँ बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, कस्टमर इधर से उधर हो जाता। उसे नाम नहीं दस हो जी, तमाम व्यूअर्स के लिए नाम दस हो जी। मेरा नाम राजीव सिंह है। प्यारे वाले राजीव सिंह जी हैं, और राजीव सिंह जी का पूरा परिवार समाज सेवी रहा है, और कहीं ना कहीं सिख कम्युनिटी के अंदर एक बहुत लीडिंग फैमिली से हैं, और सर समाज के लिए हमेशा सेवा भाव में हमेशा आगे खड़े रहते हैं। और राजीव भाई स्वागत है आपका, आप कोटि कोटि बधाई आपको आपके सेवा भाव के लिए। और डीएम साहब से बदर भाई ने गुहार लगाई, आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? बस यही कहेंगे कि जाम के कैसे मुक्ति मिल जाए, बस हम तो यही गुहार है और कोई। एक तो यहाँ पर शाम को चार बजे के बाद जो नफरी, चार बजे तक यहाँ पे होम गार्ड रहते हैं, उसके बाद नहीं रहते शाम को चार पाँच, उसके बाद नहीं रहते, चार बजे के बाद कोई नहीं रहते। सभी दुकानदार नॉलेज नहीं है, सभी दुकानदारों ने बताया मुझे नहीं पता। एक तो वो हो यहाँ पर उनकी तैनाती हो 10 बजे तक। हाँ बिल्कुल, सनसाइड रोड पे 8 बजे तक तो 9 तक तो रहनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और दूसरा फोर व्हीलर नो एंट्री रहनी, हाँ नो एंट्री रहनी चाहिए, क्योंकि हार्ट ऑफ सिटी है, आप उसकी वजह से जाम ज्यादा। अच्छा काफी दुकानदारों ने सजेशन दिया है राजीव भाई साहब के, जो क्लाइंट आते हैं बाइक पे, मोटरसाइकिल लेके, स्कूटी, खासतौर से मोबाइल मार्केट पे, तो जेल परिसर खाली पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट के अधीन है, वहाँ पर पार्किंग स्टैंड बना दिया जाए तो पार्किंग तो बनी हुई है, पर वहाँ खड़ी तो नहीं कोई करता, गाड़ियों की भी पार्किंग है लेकिन वहाँ तो वहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि सिस्टम बन जाए, वैसे तो उन्होंने पार्किंग पेज के हिसाब से बनाया हुआ, हर तरीके से वहाँ पे सुख सुविधा से पार्किंग सुविधा देनी चाहिए, और उसमें उस पार्किंग हो जाएगी, पार्किंग हो जाए तो बहुत बढ़िया, फिर तो जा मिल जाएगी, पूरी राहत मिलेगी यहाँ पे। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं बस बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी बात वहाँ तक पहुँचा। तो प्यारे बस ये थे सरदार जी हमारे, राजीव सिंह जी, और बहुत ही अच्छी बात कही है, और कहीं ना कहीं ये गुहार लगाई है कि डीएम साहब जो यहाँ पर 20 कदम पर यहाँ पर जेल है, पुरानी जेल परिसर, वहाँ पर टू व्हीलर की पार्किंग का बनवा कर सुचारू रूप से आदेश पारित करें, ताकि वहाँ लोग आसानी हो जाए जितने क्लाइंट्स आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर शाम को 4 बजे के बाद में पुलिस की तैनाती होनी चाहिए, इसके साथ साथ यहाँ पर फोर व्हीलर की जो है नो एंट्री हो जानी चाहिए 4 से लेकर 9 बजे तक। तो प्यारे वर्ष ये था आज का अपडेट, और कोशिश ये थी कि हर डायमेंशन में मैं आपको रूबरू करा सकूँ, शासन प्रशासन के बीच में एक ब्रिज का काम कर सकें पॉजिटिव, और धरातल पर जीरो ग्राउंड से ग्राउंड रिपोर्ट आपको
रूबरू करा सकें और बारीकी अपने अपने जाविये से, अपने अपने इंटेंशन से जो भी आप लोगों को टैलेंट दिया है, चाहे वो दर्शक हों चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, वो इसके समाधान हेतु कहीं ना कहीं अच्छे उपाय, अच्छी रणनीति बनाकर बुलंदशहर की जनता को कहीं ना कहीं राहत देने का काम करेंगे। और सर्वोपरि ये ज़िले के हाकिम डीएम साहब, तो हम आशा उम्मीद करते हैं डीएम साहब इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर तत्काल प्रभाव से इस पर एक्शन लेने की कृपा करेंगे और बुलंदशहर की जनपदवासियों को, तमाम जनपदवासियों को जो है इस भीषण जाम से राहत देने का काम करेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। प्यारे वर्ष अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद।